हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आईआईटी 1996 में आया है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। क्या दिया हुआ है? एटॉमिक हाइड्रोजन। क्वेश्चन गिवन है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन और इसमें बोल रहा है बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का मीनिंग क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन में स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें छह तरह का सीरीज बनता है, लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज सेकेंड सीरीज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है सेकेंड ऑर्बिट में। मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर एन बराबर वन है, एन बराबर टू है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसमें होगा? सेकेंड में होगा। कहां से होगा? तो किसी भी हायर ऑर्बिट से हो सकता है। मीन्स यहां पर हमें दिया हुआ है कि N1 मीन्स लोअर ऑर्बिट का वैल्यू दिया हुआ है 2, और N2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वैल्यूज को यूज करना है हमें। अब एक और कंडीशन दिया हुआ है कि इसमें क्या दिया हुआ है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो वेवलेंथ होना चाहिए लेमडा जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। कि कब होगा ऐसा कंडीशन हम लोग आइए चेक करते हैं कंडीशन। पहले तो लेमडा का 1/λ का वैल्यू क्या होता है? 1/λ इज इक्वल टू होता है न्यू बार क्या है? वेव नंबर, और दैट इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/N1² - 1/N2² ये हमारा जनरल फॉर्मूला है लेमडा निकालने के लिए ट्रांजिशन जब इलेक्ट्रॉन का होता है उस समय। तो अगर हमें लेमडा को मिनिमम करना है, लेमडा मिनिमम करने के लिए हमको न्यू को क्या करना होगा? मैक्सिमम। और ये न्यू मैक्सिमम कब होगा? न्यू बार मैक्सिमम कब होगा? तो न्यू बार मैक्सिमम कब हो सकता है? जब इसका वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम हो। और इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब ए वाला वैल्यू कितना हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, और ए वैल्यू जीरो कब होगा? जब N2 टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि अगर लेमडा को मिनिमम करना है तो उस केस में हमको N2 मीन्स हायर ऑर्बिट कहां रखना होगा? इन्फिनिटी। मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहां से हो रहा है? इन्फिनिटी से सेकेंड में होगा, तब जाकर लेमडा क्या होगा? मिनिमम होगा। और इस कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है? 1/λ दैट इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/N1². अब इस फॉर्मूला में हम अपने सारे वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज आइयो हम यहाँ पे पुट करते हैं। 1/λ इज इक्वल टू आर एच का वैल्यू, आर एच क्या है? रेसिप्रोकल कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 1.09 × 10⁻¹ मीटर इनवर्स। इसके बाद जेड क्या है? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, इसका वैल्यू होगा 1, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1/N1² N1 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आएगा, लेमडा का वैल्यू कितना आएगा? 2.725 × 10⁶ मीटर इनवर्स, सॉरी मीटर, लेमडा मीटर में आएगा। ये हमारा आंसर हो गया।